हाँ तो स्टूडेंट्स हम अपने बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक थर्ड ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको हम कितने डिस्टेंस पे a से रखें, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो, जीरो हो जाए, ठीक है। सो फॉर दैट वी एज्यूम्ड दैट इट इज किप्ट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन o। इस ओरिजिन o से M1 के लोकेशन को हम लोगों ने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। इस ओरिजिन से M1 मास से एक डिस्टेंस पे हमने एज्यूम कर लिया कि M मास का जो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये b, ये कितना होगा, इट विल बी r माइनस x। तो आगे हम लोग अपने पढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस m ऑब्जेक्ट, m मास के ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो। वो क्या होगा, जीरो। तो मान लीजिए ये जो m1 मास है इस पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो जाने वाले इस मास को किधर की ओर पुल करेगा, अपनी ओर पुल करेगा। इसका डायरेक्शन हो गया f1, तो इसका डायरेक्शन हो गया लेफ्ट साइड, और इसको हमने एज्यूम कर लिया f1, ओके। फर्दर इस मास m को, दैट मास m विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, अट्रैक्टेड टुवर्ड राइट, ओके, बाय दिस मास m2। इस मास m को ये m2 जो है वो अपनी ओर पुल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। सो इट विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड राइट डायरेक्शन f2। तो हमने एज्यूम कर लिया f2 फोर्स, ठीक है। अब ये क्या है कि इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो। हम ये दोनों फोर्सेस निकालेंगे और इनको क्या कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे, जाने मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, नाउ इसको वीडियो को पॉज करिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। जो F1 है इसका वैल्यू क्या होगा, F1 जो फोर्स है वो इस मास M1, दैट इज एक्टिंग बिटवीन दिस मास M1 एंड M, सो वी कैन राइट नाउ G एंड द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M इज x, ओके। सो F1 इज इक्वल टू M1 M So, we got our first equation. Now, we are going to write down the second equation. And that will be the by this. Active is equal to the force acting between the mass M and M2. Okay? And then the F2 is equal to G M and M2, and what is the distance between them? The distance between them is r minus x, okay? R minus x. We assumed it as equation 2. अब क्या है? इन दोनों forces का resultant क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए. So now, according to question,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? एफ वन कुछ भी आप मान सकते हैं, हमें एफ टू माइनस एफ वन मान लेते हैं, एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एफ वन इज इक्वल टू एफ टू। चलिए इसको नोट डाउन करिए, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाएंगे
first of all, the expression of acceleration due to gravity g is equal to what we get, g is equal to gm by m. That is the equation. And I told you earlier that in that expression of acceleration due to gravity, there is no mass of, no any symbol for the mass of the body which is falling on the earth. That is why acceleration due to gravity does not depend upon the mass of any body for which we are going to find out the acceleration due to gravity. So, for any body, acceleration due to gravity is almost constant. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. ऑलमोस्ट करने का मतलब क्या हुआ, इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर आप कंसिडरेशन में, ठीक है, चलिए इन सब बातों को बाद में रह जाएगा, आते हैं पहले कुछ न्यूमेरिकल शब्द बनाए. मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक का मास और PKG है और दूसरे का मास NKG है. और ये अर्थ से, मतलब ग्राउंड से 100 मीटर हाइट पर है और दोनों को ड्रॉप कर दिया गया. क्वेश्चन है, विच बॉडी विल हिट द ग्राउंड. कौन सी बॉडी अब ग्राउंड को हिट करेगी, 40 kg या 10 kg? लगता तो 40 kg है क्योंकि ज्यादा मास है, ज्यादा मास है तो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, है ना. ये आंसर सही है, 40 kg सही है कि 10 kg? व्हाट विल द करेक्ट आंसर? जब तो यही कहता हूं 40 kg है, 40 kg, नो इट्स रॉन्ग. 10 kg, नो इट्स, इट विल बी ऑल्सो रॉन्ग. तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दैट, as I told you earlier, the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body. और इस केस में देखिए, इन दोनों के लिए u का वैल्यू क्या है, 0. इसके लिए भी u का वैल्यू 0, इसके लिए भी u का वैल्यू 0. अब दोनों के लिए g भी सेम है, कहने का मतलब यह है कि दोनों ही बॉडीज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे विल हिट द ग्राउंड. सो द राइट आंसर इज दैट बोथ बॉडी विल hit the ground at the same instant of time. Okay, so इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द इक्वेशन ऑफ मोशन रिगार्डिंग दी फ्री फॉर मोशन. कहने का मतलब यह है कि फ्री फॉल मोशन के लिए, फ्री फॉल मोशन के लिए हम किस प्रकार के इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे. कहने का मतलब यह है जो ऑब्जेक्ट मोशन में ग्रेविटी करता है, फ्री फॉल मोशन करता है, हम उनके बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि उसकी जो वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और इस सारी चीजों को हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, उनमें कौन किस तरह के इक्वेशन यूज किए जाते हैं, ठीक है. तो फ्री फॉल इक्वेशन के लिए भी जो हम यूज करते हैं वो काइनेमेटिक्स के हमारे जो फ्री इक्वेशन है जिनको तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो, उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग फ्री फॉल मोशन के लिए भी या मोशन एंड ग्रेविटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है.
और हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर टू ए एस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन सारे इक्वेशंस में एक्सेलरेशन के जगह पे जो सिंबल है वो क्या है? ए है। वो एज भी दिया गया है, एक जनरल सा वो टर्म है, क्योंकि इसके पहले इन सारे इक्वेशंस में एक्सेलरेशन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जैसे ही बात हम फ्री फॉर्म मोशन की करते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ए जो है ना उसका मैग्नीट्यूड आपको फिक्स हो जाएगा, जी हो जाएगा, ए का जो वैल्यू है वो जी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो जगह है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। तो फ्री फॉर्म मोशन में या मोशन विद ग्रेविटी में एक ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा जी ही होगा, एक आपके लिए अननोन जो है वो घट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट में आते हैं, ठीक है, जी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस था जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। और यहाँ पर जी का जो वैल्यू है वो साइन स्क्यू के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए हम अकॉर्डिंगली जी का वैल्यू उसके साइन को हम लोग अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नोट डाउन लेंगे, इसको एक स्टार मार्क देके लिख लीजिए, यदि साइन ऑफ जी इज टेकन अकॉर्डिंग टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से हम लोग जी के वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं, सॉरी जी के साइन को, वैल्यू को नहीं, जी के साइन को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही बातें हैं, ठीक है, इन्हीं इक्वेशन का हम यूज मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और हम न्यूमेरिकल और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। If
release. From that animal. इस height से simply उसको release कर दिया जा रहा है या drop कर दिया जा रहा है. Released और dropped लिख सकते हैं. Release और drop from that height.